लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बाल बाल बचा, 3 साल का मासूम, महिला की मिली लाश, बलात्कार के बाद हत्या की आशंका, रेडी वालों को रौंदी निकल गई मर्सिडीज कार, एक की मौत, धान से भरा ट्रैक्टर पुल से गिर गया, पानी में डूबने से ड्राइवर की मौत, लगातार 12वें दिन कम हुए पेट्रोल डीजल के रेट, जानिए आज के दाम एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। अब खबरें विस्तार से। एनसीआर में फिर एक बार बिल्डिंग गिरने का हादसा हुआ, जहां एक बच्चे समेत 3 लोगों की जान बाल बाल बची। मामला गाजियाबाद का है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि निर्माण करने में लापरवाही हो रही थी और साइड से उसे कवर नहीं किया गया था। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे हैं। समयपुर बादली एरिया में एक महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। परिजनों ने बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बताया जा रहा है कि महिला फैक्ट्री में काम करती थी। तेज रफ्तार ने दिल्ली में एक और जान ले ली। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक मर्सिडीज कार रेडी पटरी वालों को रौंदती हुई चली गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर तौर पर घायल है। बताया जा रहा है कि दो फल बेचने वाले सड़क पर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार उन्हें टक्कर मारते हुए निकल गई। कांकेर भानु प्रतापपुर में सुबह धान से भरे ट्रैक्टर के पुल से नीचे गिरने से ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर का सामने का हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया था, जिससे ड्राइवर बाहर नहीं आ पाया। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे फंस गया और पानी में डूबने से उसकी मौत। देश में लगातार 12वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आई है। IOC की वेबसाइट के अनुसार राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 38 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है। दिल्ली में आज पेट्रोल 71.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 66.66 रुपए प्रति लीटर है। गिरावट के बाद भी मुंबई में पेट्रोल के रेट सबसे ज्यादा बने हुए हैं। मुंबई में पेट्रोल 77.50 रुपए रुपए लीटर और डीजल 69.77 रुपए प्रति लीटर है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।